हेलो, वेलकम। माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है एक्सेल में, वो है एम्प्लॉय इंक्रीमेंट के लिए। तो एम्प्लॉय इंक्रीमेंट होता कैसे है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है। यहाँ इक्वल ए ब्रैकेट ओपन C2 का मैंने लगा रखा है। तो ये ईयर के लिए, जैसे इनकी ज्वाइनिंग डेट ये है, मुझे इनका ईयर निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल डेटेड इफ B2। P2 यानी ये ज्वाइनिंग डेट है, टुडे आज की डेट, देन ईयर। तो यहाँ पे इनका सबका ईयर निकल आया हुआ है। इसके बाद इंक्रीमेंट के लिए हमने जो यहाँ फार्मूला मैंने यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है, वही फार्मूला हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। तो जिनका जैसे इक्वल इफ C2 है, C2 में ईयर हो गया ग्रेटर देन 5, यानी जिनका 5 साल से ज़्यादा हो, उन्हीं का 10% इंक्रीमेंट हो। तो जैसे यहाँ पे इनका 5% ज्यादा है, आप देख रहे हैं कि जैसे, और जिनका ना हो उनका डैश हो जाए। जैसे अजय का 3 साल है, रंजन का, राजन का 3 साल है, बाकी इधर देखेंगे तो श्याम का, सोहन का, मोहन का, इन सब का ईयर वाइज ज्यादा है। तो इन सब का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय इंक्रीमेंट का वर्क करके हम निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।